नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं कस्टमर ने फोटो दिया है, क्या हालत है फोटो के। एक तो फोटो को स्कैन नहीं किया है, फोटो को एक बुक के ऊपर रख के उसका फोटो क्लिक किया है और इसको बनाने के लिए दिया है। हालांकि ऐसे दो तीन फोटो क्लिक करके दिए हैं, तो एक ये भी है थोड़ा नज़दीक से क्लिक किया हुआ, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत बड़ी होगी, शायद से आपको बोर होने जैसा लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, पर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें एकदम आराम से डिटेल के साथ बताऊंगा। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैं कमेंट चेक कर रहा था, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था, क्या भाई पिक्चर की स्टोरी बता के ख़त्म कर दिया, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में कि जितना हो सके उतना डिटेल में समझाओ, आराम से समझाओ, बस वीडियो को अंत तक बनाए रखें। और कुछ आपकी क्वेरी वगैरह रहेगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अभी आते हैं इस वीडियो के ऊपर, इस फोटो को बनाना है तो अभी देखिए चैलेंजेस क्या क्या होती है। इसका शर्ट वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम दूसरा लगा देंगे। पगड़ी नहीं है, वो दूसरी लगा देंगे। हमारा 70-80% वर्क जो है वो फेस के ऊपर ज़्यादा रहता है, वो बाकी 20% जो है बैकग्राउंड के ऊपर, शर्ट के ऊपर वो रहेगा। हालांकि AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, कई चीज़ें हैं हमें वो बना के मिल जाती है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है फ़ोटो को शार्प करना, कलर करना। फोटो बनाना आजकल बहुत बहुत आसान हो गया है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि AI टूल है, उसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। अभी इसको कंप्लीट करना है तो कैसे, पहले ये थोड़ा तिरछा लग रहा होगा आपको फोटो, तो हमें क्या करना है, इस फोटो को सीधा करना है। सीधा करने के लिए वो रोटेट वगैरह नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे पर्सपेक्टिव टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, या इसके चारों कॉर्नर क्लिक करने होते हैं। तो इसका तो राउंड है, तो मैं एक एवरेज यहाँ पे पकड़ूंगा, एक यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे पकड़ूंगा। मैं अभी क्या कोशिश करूंगा कि ये ऊपर की लाइन है वो सीधे आ जाए, ऊपर नीचे ना हो। तो ये लाइन ऊपर नीचे, ये लाइन इसको मैच करना है, तो हमारा फोटो जो है वो सही से क्रॉप हो जाएगा। जो लाइन है वो सीधी ये कर दी है, सिंपली इसको ओके कर दिया है। अभी आप देखेंगे फोटो सीधा होके सीधा क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अभी हमें इस फोटो के ऊपर वर्क नहीं करना है, हमें एक नया पेज लेना है। यहाँ मैंने बना के रखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो मैं इस पे A4 सिलेक्ट कर देता हूँ। आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादातर नॉर्मल चलता है A4 12x16 या 12x18, जो नॉर्मली मार्केट में ये चलता है, रेडीमेड फ्रेम भी अवेलेबल होता है, तो उस पे वर्क कीजिए। नॉर्मली मैं करता हूँ A4 या 12x18 पे, ठीक है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे लाऊंगा, और इसके बाद अभी इसकी जो पोजीशन है वो मैं ट्राई करूँगा कि सेंटर में रहे, फेस इतना बड़ा ना हो जाए कि पूरे फोटो में फेस ही दिख रहा है। तो ये ट्राई करूँगा कि जो इसके कंधे हैं, यहाँ पे एक कंधा टच हो, एक कंधा यहाँ पे टच हो, ऊपर थोड़ी जगह रखे ताकि बैकग्राउंड को लिए भी थोड़ी स्पेस मिले, और यहाँ पे नीचे भी थोड़ी जगह इस तक कदर से रखनी है ताकि जो शर्ट है वगैरह वो भी एकदम छाती से ऊपर से कट ना हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फोटो को मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ, चाहे तो बाद में बढ़ा सकते हैं इसको, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना मुझे एवरेजली अभी सही लग रहा है, ठीक है। इसकी एक मैं Ctrl J करके इसकी डुप्लीकेट निकाल के रखता हूँ, ताकि जब आपको बिफोर आफ्टर दिखाने में मुझे आसानी हो जाएगी। और इसको मैं हाइड करता हूँ इस फोटो को। अभी मुझे क्या करना है, हमें ज़्यादातर काम जो है फेस के ऊपर करना होता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि फेस को जितना क्लीन कर सकूँ उतना क्लीन करूँ, बाकी पगड़ी का वो शर्ट का वो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट हीलिंग टूल है, इसकी मदद से जो रफ डिटेल है, जो नॉइज वगैरह है वो मैं निकाल दूँगा। एकदम छोटी छोटी के ऊपर भी नहीं काम करूँगा, टाइम वेस्ट होता है,
जो बड़े बड़े डिटेल है उसको मैं क्लीन करूंगा। अभी नाक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम बाद में थोड़ा ड्रॉ करेंगे, कुछ रेनिमे ऐप है वो इनहांस करके देगा। इस तरह से हमारा फोटो कंप्लीट करना है। फोटो कंप्लीट करने के लिए उसको जितना हो सके पार्ट में तोड़ें, एट ए टाइम वो सभी चीज़ें करने की कोशिश ना करें, एक दो चीज़ों को ठीक करते करते जाएं। और जुगाड़ करने की आदत डालिए, मतलब जुगाड़ बहुत जरूरी है ऐसे रेस्टोरेशन फोटो के लिए, जुगाड़ करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ की डिटेल ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरी उतनी ड्राइंग अच्छी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये काक तो ठीक दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही फ्लिप करके यहाँ पे डालूंगा। अभी डालने का भी अलग तरीका है। क्या तरीका है कि अभी मैं लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉप करेंगे इतना ऐसा, और कंट्रोल जे करके फ्लिप करके इधर डालेंगे। तो सभी चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या है यहाँ की जो डिटेल जो है नहीं दिख रहे वो ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ की डिटेल नहीं है तो मुझे पूरा का पूरा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उतना पार्ट। तो एक और एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, मुझे स्टैम्प टूल लेना है। और यहाँ पे आप स्टैम्प टूल क्लून सोर्स आप देख सकते हैं, विंडोज़ में जाके आप कहाँ गया क्लून सोर्स, ये यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक किया तो ये विंडो खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मिरर का, एक उस पर क्लिक करना है। और हमें क्या करना है, इसका एक पॉइंट अल्ट प्रेस करके इसका एक पॉइंट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईलाइट हुआ है, वो पार्ट सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ का जो पार्ट क्लिक किया, सिर्फ वहाँ का पार्ट यहाँ पे क्लिक करके हमें सिंपली ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के आप देखेंगे तो आप इस साइड पे भी देखो, यहाँ पे एक छोटा आइकॉन आ जाएगा, तो वो भी हाईलाइटेड होगा। और सिर्फ जितना पार्ट चाहिए उतना हम ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट तरीके से उतना पार्ट। और ये यूं समझ लो कि मिरर हो जाएगा सेंटर में से, तो मैं ये साइड में भी ड्रॉ करूंगा, तो जो भी इधर का इधर को इधर का पकड़ेगा और इधर को इधर का पकड़ेगा, तो इस तरीके से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेंटर में, और सेंटर में से ये साइड में गया तो इधर का ये साइड में मिरर में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से अभी मुझे क्या है, यहाँ की मुस्टेज चाहिए और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हालांकि ये साइड जो है थोड़ा शैडो का पार्ट है, पर कोई बात नहीं, जो चीज़ें मिलते हैं उसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम शैडो वगैरह क्रिएट करेंगे। एटलीस्ट हमें डिटेल भी मिल गई तो बहुत हो जाएगा, उसके ऊपर हम ड्राइंग करके बाकी का पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो डैमेज्ड पार्ट है हम ठीक करेंगे और उसके बाद जो है हम बाकी का काम करेंगे। यहाँ पे धब्बा लग रहा है, तो अभी यहाँ पे तो लाइट पार्ट है तो इतनी लाइट की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं अंडू कर लेता हूँ और फिर से एक बार मैं काम करना चालू कर देता हूँ। जितना हो सके उतनी डिटेल को हमें रफली ड्राइंग करनी है, स्टैम्प टूल की मदद से करो या डायरेक्ट ब्रश से करो, कोई बात नहीं, बाद में रेनी में है उसमें स्किन टेक्चर वगैरह ऐड कर देगा तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा और रियलिस्टिक लगेगा वर्क, ठीक है। अभी कान वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो एक साइड तो ये पगड़ी है, दूसरे साइड इधर का कान है, पर वो हम बाद में ये कर लेंगे। फिलहाल हमारा काम ये है कि जो डैमेज्ड पार्ट है और वो फेस का पार्ट है वो हम ठीक करें। कोई यहाँ पे फिक्स वैल्यू वगैरह या कोई फिक्स टूल नहीं है ऐसा कि ये कर लो और हो जाएगा। हर एक टूल का आप हर टूल सीख लीजिए क्या का क्या क्या काम करता है और उसका यूज़ करके अपने तरीके से फोटो को ठीक कीजिए। अभी आप यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने स्टैम्प टूल यूज़ किया, पैच टूल यूज़ किया, स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है वहाँ पे मैंने डायरेक्ट ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रफ सभी टूल का यूज़ करके मैं रफली वो फोटो को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ का एरिया पिक करके मैं इतना पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी तो पगड़ी हम चेंज ही करने वाले हैं वैसे ही। यहाँ पे अभी कुछ ड्राइंग में करूँगा इसी के ऊपर। ओपेसिटी कम रखना है ताकि धब्बा ना लगे,
और मुझे जितना नॉलेज है थोड़ा थोड़ा रफ में ड्राइंग करूँगा, एकदम ओपेसिटी कम करके, ताकि एकदम धब्बा ना लगे और ऑड ना दिखे। ओपेसिटी कम करके मैं डिटेल थोड़ी थोड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि आपको बता देता हूँ कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, खाली रफ थोड़ी थोड़ी जो डिटेल पता है वो उतनी में ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप बहुत सारे फोटो देख लीजिए, उनमें कान कैसा है नाक कैसा है, तो उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। वो देख के देख के आइडिया लेके आप करेंगे। ये रब कर रहा हूँ, आपको लगेगा ये ड्राइंग करके रियलिस्टिक करेगा। मैं सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कर रहा हूँ ताकि रेफरेंस मिले, और बाद में इसके ऊपर रियलिस्टिक गूगल से शर्ट डाउनलोड करके डाल देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये तो रफ डिटेल हमने ड्रॉ कर ली है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए कितनी डिटेल हमने इनहांस कर दी है, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। हाँ, फोकस यहाँ पे कीजिए। ठीक है, इतना थोड़ा हमने भी कर लिया तो बहुत हो गया। अभी क्या करना है, और थोड़ा मैं करता, रेफरेंस के लिए ही कर रहा हूँ, इसका कोई ज्यादा अहमियत नहीं है इसकी। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, रेनिमी ऐप से इनहांस करके लेना है, और palette.fm करके एक वेबसाइट है, उससे इस फोटो को कलर करना है। तो वो सभी चीजें मैं करूँगा, दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ इतना किया है, अभी इसको जेपीजी में सेव करके रेनिमी ऐप से इनहांस करना पड़ेगा। रेनिमी ऐप है मोबाइल के लिए है, ठीक है, कई वीडियो में मैंने बता दिया है रेनिमी ऐप है वो मोबाइल के लिए है। तो इसको सेव करके जेपीजी में सेव करके मोबाइल में लेना, मोबाइल से रेनिमी ऐप से इनहांस करना, इनहांस करके फिर से यहाँ पे कंप्यूटर में लेना, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। कई लोग क्या करते हैं, ब्लू स्टॉक यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, और ब्लू स्टॉक इंस्टॉल करने के बाद उसमें रेनिमी ऐप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, और उससे इनहांस करते हैं। पर ब्लू स्टॉक इतना टाइम लेता है और इतना लोड लेता है, इतना रैम खाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो क्यों ना एक आसान तरीका समझाया जाए। यहाँ पे एक मैं ब्राउज़र खोलता हूँ, और ब्राउज़र में आप देखेंगे एक वेबसाइट है photorestore.io, इस ये वेबसाइट है, आप देख लीजिए। इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, और यहाँ ऐसे इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे सिंपली अपलोड इमेज करना है, और इसको जेपीजी में हमने सेव करके रखा था उसको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये इमेज लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, और इसकी इसका 2 या 3 सेकंड के अंदर इसको रिस्टोर करके दिखेगा आपको। इसको क्लिक किया तो आपको देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से डिटेल को इनहांस करके दिया है, सेम टू सेम रेनिमी की तरह किया है। रेनिमी से बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, रेनिमी अगर होता इसी फोटो को रिस्टोर करता तो वो क्या करता, यहाँ पे नॉइज क्रिएट करता, और बियर्ड भी मतलब दाढ़ी का पार्ट है, बेवजह वो दाढ़ी का पार्ट लाता। मैंने कंपेयर करके देखा है कि क्या चीज है इसको और उसको यूज करने में। तो मेरी अभी सजेशन ये रहेगा, इसमें थोड़ा सा आपका इमेज थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, जो फोटोशॉप में लाके आप शार्प कर सकते हैं, पर इसी का अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा ब्लर आता है पर अच्छा रिजल्ट आता है, डिटेल तो अच्छे से क्रिएट करके देगा। ठीक है, इसको सिंपली, और इतना ही नहीं, इसके अंदर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड भी इधर ही हम रिमूव कर सकते हैं, फोटो को कलराइज भी इधर कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। और यहाँ पे कुछ ये पावर्ड ड्रीम रूम जनरेटर है, में कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं, शर्ट वगैरह वगैरह वैसा। वो इतना मैंने रिसर्च नहीं किया, पर ये जो चीज़ें हैं रिस्टोरेशन का, अपना बैकग्राउंड रिमूव का, कलराइजेशन का, साइज बढ़ाने का, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इतना होने के बाद सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर एक न्यू टैब लेता हूँ, और हालांकि मैं इसमें शॉर्टकट बना के रखा हूँ, जो भी वेबसाइट है अपना इंस्टाग्राम फेसबुक ट्रांसलेटर जो भी है। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके
ओके करेंगे तो इस पट्टी पे आ जाता है, बार बार हमें वो वेबसाइट टाइप नहीं करनी पड़ती, ठीक है। दूसरा एक है पैलेट डॉट एफ एम, ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको और बहुत बड़ा इंटरफेस है। अपलोड इमेज का यहाँ पे बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करना है, ओके करना है और यहाँ पे ये लोड होगा। पहले तो इसको प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट कर लेगा और यहाँ पे ये आगे जाता हुआ दिखेगा आपको, वहाँ पे बेस पैलेट आपको कलर फिल करके देगा। आप देख सकते हैं कि स्किन टोन वगैरह वो अच्छे से ला दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको भी डाउनलोड करना है, इसको मैं लोड कर देता हूँ और ये इमेज को अपने फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद साइज बढ़ा लेना है क्योंकि ये साइज कम कर देता है। अभी आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार इसने तो डिटेल डाल दी है, कलर कर दिया है, पर ब्लर ब्लर दिख रहा है। और साथ ही इसी को हम रेनिमे का फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपना रेनिमे का फोटो, रेनिमे मतलब ये इनहांस किया हुआ अलग वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो डिटेल है क्लियर दिख रही है, 2% ब्लर समझे पर क्लियर दिख रही है, और इसकी जो डिटेल है वो ब्लर दिख रही है। तो हमें करना क्या है, इसको रेनिमे से वो वेबसाइट से इनहांस किया हुआ फोटो को नीचे रखना है और ये कलर का फोटो को ऊपर रखना है। वो क्या करता है, पैलेट डॉट एफ एम कलर कर लेता है पर फोटो क्वालिटी को ये क्या कर देता है, ये अगर एच डी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच डी डाउनलोड करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा, ये इसको कुछ तो पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बीच में से डाउनलोड कर देंगे तो लो क्वालिटी का अब हमें कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको खाली ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है इसका, इसको ब्लेंडिंग मोड कलर करेंगे तो अब आप देख सकते कि इसमें डिटेल ऐड हो गई है, ये अभी डिटेल ऐड हो गई है, कलर सिर्फ हमने इसका ले लिया और नॉर्मल का देखेंगे तो ब्लर है। और ब्लेंडिंग मोड कलर चेंज करेंगे और नीचे वो रेनिमे का फोटो रखेंगे तो शार्प डिटेल होगी, ठीक है। इतना होने के बाद अभी क्या करेंगे, इस दोनों फोटो को मर्ज कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये ऐसा फोटो था ओरिजिनल और इसके बाद कलर और रेनिमे करने के बाद ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि थोड़ा ब्लर है, उसको क्या करेंगे, फिल्टर में जाके इसको थोड़ा सा अनशार्प कर देंगे, थोड़ी डिटेल और इनहांस हो जाएंगी। नीचे की डिटेल इसको बढ़ाना नहीं, ऊपर का बढ़ाना है ताकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा शार्प हो जाएगी, ठीक है। अभी बहुत डिफरेंस अच्छा आपको मिलेगा देखने को, तो सिंपली ओके करेंगे। अभी देख लो क्या डिफरेंस है, कमाल कर दिया है। हालांकि आंखों में थोड़ा चेंज आपको वो लग रहा होगा क्योंकि आंखें जो है इसकी थोड़ी नीचे है, ये छोटे है और इसमें है वो बड़ी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा क्या है, थोड़ा चेंज भी कर दिया तो हम अपने तरीके से कर देंगे। मेन जो है कि फेस चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी करो। नीचे का पार्ट है जो लाइन है वो सीधी लग रही है और यहाँ पे थोड़ी उसने राउंड ले ली है, हमें भी वैसा ही करना है। इसमें जुगाड़पंती का बहुत बहुत बड़ा रोल है कि कितना जुगाड़, जितना अच्छा जुगाड़ कर सकते उतना अपना फोटो अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए कितना चेंज लग रहा है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक आंख बड़ी छोटी लग रही है, वो भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी अभी करके मिला है बहुत अच्छा मिला है। हालांकि कलर में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा 19-20 हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बैकग्राउंड की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को पेन टूल से कट कर दूंगा। ये रफ लाइन मैंने ड्रॉ कर ली थी, अभी इसका पता चलेगा क्यों ड्रॉ की थी, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो जाए। और ये पगड़ी का है जो यहाँ से मैं लूँगा। अभी पगड़ी की जो भी डिटेल है एक्स्ट्रा जो है वो दिख नहीं रही है, पर एवरेज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी रफली, तो उसी को रेफरेंस पकड़ के हम इसको ये कर देंगे, ठीक है। और भाई वीडियो लंबी हो गया है, पर इसको आप पूरा देख लीजिए, काम किया है, क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा।
कान थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ तक होना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे जो कान होता है कि आईब्रो के लाइन से नाक के ये मुंह के इससे होता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं उसको बाद में खींच लूँगा। ऐसा एक बार में ही सभी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ी 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 करना पड़ता है। ठीक है, इतना होने के बाद शर्ट तो हम बाद में चेंज कर देंगे। इसको 2% फेदर देता हूँ और कंट्रोल जे कर देता हूँ, उतना ही पार्ट कट करके अगले लेयर पे हो जाएगा। नीचे के पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ और इनका सभी का, इसकी तो अभी कोई हालांकि ज़रूरत है नहीं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ और नीचे के दो मैं ग्रुप बना के रखता हूँ। अभी आपको क्या है कि जो ज़्यादातर काम है फेस के ऊपर है, तो पगड़ी को हम थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं, शर्ट को इग्नोर कर देते हैं और फेस के ऊपर हम डिटेल से वर्क करेंगे और गूगल से हम पगड़ी और शर्ट चेंज कर देंगे और रेडीमेड एक आधा अच्छा सा डिसेंट सा बैकग्राउंड डाल देंगे, फोटो को कम्प्लीट करेंगे। तो अभी इसमें क्या ज़रूरत है कि फोटो तो हुआ है पर वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, एक तो हाईलाइट नहीं है इतनी अच्छी, तो वो ग्लॉसी लुक मिल नहीं रहा है और कलर जो है वो अटपटा लग रहा है थोड़ा, और जो डिटेल है वो शार्प नहीं है। तो हम सभी चीज़ें करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और डायरेक्ट सॉफ्ट राउंड ब्रश लिया है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और वाइट कलर पिक करके यहाँ पे ओपेसिटी 10-15 के आसपास रख के एक रब में हाईलाइट कहाँ कहाँ होती है, एक नाक के ऊपर होती है, गालों पे होती है थोड़ी, कहाँ पे होती है आप आइडिया लगाइए, यहाँ पे होती है और ओठों के ऊपर भी थोड़ी हाईलाइट हम ऐड कर देंगे और नाक के इस पार्ट पे यहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट होती है। ये बहुत बड़ा एरिया एक होता है हाईलाइट का, तो यहाँ पे रब मैंने बहुत बड़ा धब्बा मार दिया है और हनुवटी के ऊपर मतलब यहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट होती है। और क्या है, आँखों के यहाँ पे भी आप देख सकते कि ये यहाँ पे तो है, यहाँ कम है, तो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा थोड़ी। और आपको पता होगा और डिटेल में जाने के लिए यहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट होती है, यहाँ पे ये हो गया हाईलाइट का। अभी इंस्टेंट आप रिजल्ट देखो कि कितना हो गया, हाईलाइट ऐड करने से ही एक ग्लॉसी लुक मिला है, ग्लॉसी लुक मिला है पर जो डेप्थ नहीं मिला है, हाईलाइट का ऊपर का पार्ट मिला है, नीचे का पार्ट नहीं मिला है। तो मैं और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और फेस के ऊपर का कोई भी डार्क चॉकलेटी कलर में पिक करूँगा, जो नाक के यहाँ यहाँ होता है, तो फिर भी ओपेसिटी कम है, और आउटलाइन में ड्रॉ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँगा रफली, एकदम लाइन नहीं लगनी चाहिए, वो एक शाडो लगना चाहिए। आपको लगेगा आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब वो लाइन होनी चाहिए, वो लाइन नहीं होनी चाहिए, शाडो होनी चाहिए। तो ये इतना होने के बाद और यहाँ पे थोड़ा मैं भी रब ही करूँगा, ध्यान रखें कि वो लाइन ना लगे, वो शाडो लगे। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी ऐसा ताकि थोड़ी डेप्थ मिल जाती है यहाँ पे। ध्यान रखें कि ओपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए, अगर आपको लगता है एक बार ड्रॉ कर दिया और वहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए, तो वो डार्कनेस बढ़ जाता है। तो एकदम लाइट आप ये कर दीजिए और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको हो गया, हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ओपेसिटी यहाँ पे कम ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा लग रही है तो ओपेसिटी कम कीजिए, और आपको और बढ़ाना है तो इसी का डुप्लीकेट लेयर बना दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी को सभी को मैं एक मर्ज कर देता हूँ, थोड़ा और कम कर देता हूँ हाइलाइट, लगे तो बाद में भी ऐड कर देंगे, और इसको सभी को एक साथ मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे आप कलर का देखेंगे तो कलर का थोड़ा इशू है, अभी ये तो हमने हाईलाइट ऐड कर दिया था, डिटेल ऐड कर दिया था, और एक न्यू लेयर लेके हम क्या करेंगे, इसको कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ धब्बा है क्योंकि वहाँ पे कलर परफेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ब्लेंडिंग मोड कलर लेके इसका थोड़ा भी ओपेसिटी बढ़ाऊंगा। यहाँ पे कलर क्या करूँगा, इधर का ही पिक करके मैं इसके ऊपर कलर कर दूंगा, अभी आप प्लेन दिखाई देगा आपको। ठीक है,
कानों के ऊपर भी ठीक सही से कलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर दूंगा, थोड़ा ओपेसिटी और बढ़ा दूंगा। जहाँ जहाँ व्हाइट कलर के धब्बे दिख रहे हैं तो वहाँ पे मैं प्रॉपरली कलर अप्लाई कर दूंगा। इतना कलर, ये तो बेस कलर हो गया ना, तो इसके ऊपर और आर्टिफिशियल कलर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं गालों पे एकदम लाइट पिंक कलर अप्लाई कर लूँगा। पिंक कलर मैंने सेव करके रखे हैं यहाँ पे, वो उसी को पिक कर देता हूँ। नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर पिंक है, तो आप क्या कीजिए, आर पे क्लिक कीजिए और यहाँ सेंटर में से थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, ये पिंक कलर अप्लाई हो जाएगा। और इसका ओपेसिटी 10-20 रख के फिर से हम ब्लेंडिंग मोड कलर करके इसके ऊपर हम कलर पिंक कलर ऐड कर देंगे। 10-15 ओपेसिटी रखिए, ज़्यादा ये वो लड़कियाँ लगाती है वैसा लगना नहीं चाहिए, ये सिर्फ थोड़ा ग्लो लगाने के लिए थोड़ा वो कर रहे हैं। और जो दाढ़ी का पार्ट है वहाँ पे हम लाइट ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। एरिया सिलेक्ट कर दिया है तो वो हमारा वो बाहर नहीं जाएगा कलर, तो फिर से 10 से भी अंदर में कलर कम करके या दाढ़ी पे यहाँ पे जो डार्क पार्ट है दाढ़ी का उसके ऊपर हम ग्रीन कलर अप्लाई कर देंगे, नहीं तो एकदम फ्लैट दिखने लगेगा। और थोड़ा सा वेरिएशन भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइड का भी कलर सेम है और ये साइड का भी कलर सेम है। मुझे इस फोटो को थोड़ा रियलिस्टिक ही करना है, वो डिस्को टाइप और कलरफुल नहीं करना है, पर वो वेरिएशन भी दिखे कलर का, इसलिए मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ। और इसका ओपेसिटी 5% रखा है, 5-7% रखा है। और जिस साइड से शाडो आ रही है, समझ लो इस साइड से शाडो आ रही है, तो उस साइड पे मैं थोड़ा पर्पल कलर ऐड करके एकदम लाइट ऐड कर दूंगा। अभी आपको वेरिएशन पता नहीं होगा, सिर्फ डाला है, वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं रब वो कर दिया हूँ। और इसको भी चाहे तो एक डुप्लीकेट कलर इसको निकाल के मैं नीचे रख देता हूँ, ताकि अगर बाद में हमारा कलर में कोई गड़बड़ी हो गई तो नीचे का तो रहेगा, उसके ऊपर हम फिर से काम को चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इसके साथ मैं मर्ज कर देता हूँ। इतना होने के बाद अभी आपको दिक्कत क्या लगेगी कि जो डार्क पार्ट है, जैसे आईब्रो काली होती है तो वो तो काली नहीं है, मूछें काली होती है तो वो तो काली नहीं है। तो इसको इसके भी दो ऑप्शन है, एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, एक है यहाँ पे डॉजिन बर्न टूल, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे बर्न टूल लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये मेन चीजें रहते हैं, इस पे ऊपर कोई फोकस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, आप ध्यान दीजिए। इस पे मैं शाडो पे क्लिक करके क्या करूँगा, इसका साइज छोटा करके मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो जो काला पार्ट है वो काला हो जाएगा। नहीं तो एक न्यू लेयर लेके इसका डार्क ब्लैक कलर यूज करके डायरेक्ट उसके ऊपर मार दीजिए ऐसा, और बाद में उसका ओपेसिटी कम कीजिए आपको जो सही लगे। एक ही चीज को करने के हजारों तरीके होते हैं, आपको जो सही लगे वो कीजिए। कोई मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करना है, वो आर्टिस्ट ऐसा करता है तो वैसा ही करना है, किसी को कॉपी मत कीजिए। आपका दिमाग से, आपके इंटरेस्ट से, इससे आइडिया से जो सही लगे वो कीजिए, कोई बात नहीं। इसको भी मर्ज कर देता हूँ, अभी थोड़ी जान आ गई होगी। अभी मैं बिफोर आफ्टर एक बार शो करता हूँ कि क्या हमने क्या गुल खिलाए हैं, तो ये बिफोर देख लीजिए और ये आफ्टर देख लीजिए, बहुत सा काम हुआ है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, और ये चीज़ आपको बार बार करके देखनी होती है, क्योंकि हमें ओरिजिनलिटी उसको मिस नहीं करना है। इसका भी डार्क कलर पिक करके मैं थोड़ा यहाँ से मार दूंगा, ताकि ये गर्दन के ऊपर उसकी एक साइड से हमें ये इमेजिन करेंगे कि ये साइड से शाडो आ रही है, तो उसी साइड से हम थोड़ा सा उसको डेप्थ देंगे तो थोड़ा रियलिस्टिक फील आ जाएगा, नहीं तो एकदम फ्लैट लगेगा, कि दोनों साइड अगर सेम ही है तो वो फ्लैट लगने लगेगा। तो मैं इस तरीके से रब कर रहा हूँ, आपको ये ना समझे कि ये तो परफेक्ट नहीं हो रहा है, हम धीरे 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 आराम से उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे कंप्लीट हो रहा है फोटो को, इतना एक रब हो गया। ठीक है, अभी अभी क्या करेंगे, और डिटेल हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं, हाईलाइट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मतलब
जब जब मौका मिले तब हम उसको ये करेंगे, और अभी बारी है इसको समझ करने की, तो समझ तो लीजिए। और ये ब्रश कोई भी लीजिए, उसका स्पेसिंग है वो निकाल दीजिए, और इसके बाद इसको समझ करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग रख के भी कर सकते हैं, पर वो क्या होता है खींचेगा। डिटेल के लिए हम उसको स्पेसिंग ऑन करेंगे। आप ध्यान रखिए कि मैंने स्ट्रेंथ एकदम कम करके रखा है, और चाहे तो जैसे मैंने यह इधर बोला था कि एक बार फीका होता है, दो तीन बार मारेंगे तो डार्क हो जाता है, सेम वैसे ही अगर आपको स्मजिंग में दिक्कत आ रही है तो दो तीन बार वहाँ पे घुमाइए, अच्छा स्मजिंग होने के बाद फिर आप दूसरी जगह पे स्मज कीजिए, ठीक है। और सेम बड़े बड़े एरिया के लिए ऐसे ही करना है। ये थोड़ा टाइम जाता है इसमें, पर आप थोड़ा पेशेंस के साथ भी करेंगे तो रिजल्ट अच्छा लगे आता है, तो हमें थोड़ा सेटिस्फाइड मिलता है कि चलो टाइम डाल दिया पर रिजल्ट अच्छा आया। आराम से कीजिए, कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि दिक्कत वही होती कि हमें कम टाइम में अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है तो हम रफली कैसे भी कर देते हैं, और वर्क अच्छा नहीं होता है तो बाद में हम फ्रस्ट्रेशन हो जाता है हमारा कि वर्क अच्छा नहीं हुआ। तो इसको हम धीरे 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 मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुंडी के ऊपर अभी जो डिटेल है वो अभी हम ऐड कर देंगे बाद में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रेंथ बहुत कम रखा है इसलिए मैं अच्छे से वो कर रहा हूँ, कहीं बिगड़ नहीं रहा है। अगर आपका भी बिगड़ रहा है स्मजिंग तो आप समझ लीजिए कि आपको स्ट्रेंथ को कम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एग्जैक्ट क्या कर रहा हूँ, हालांकि इमेज ब्लर हो रही है कोई बात नहीं है, पर जो बड़े बड़े एरिया है और वो स्मज हो रहे हैं, और जो स्किन के ऊपर जो टेक्चर है वो निकल रहा है, और पिंपल डस्ट वगैरह वो डैमेज पार्ट है वो भी क्लीन होते जा रहा है, और इस तरीके से हम अपने फोटो को कंप्लीट करते जा रहे हैं। जो डिटेल का पार्ट है आउटलाइन वगैरह हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मुंडी के ऊपर भी थोड़ा वो ये हुआ है, कलर मिसमैच है, तो इधर का ही पिक करके मैं इधर कलर अप्लाई कर दूंगा, ब्लेंडिंग मोड कलर कर दूंगा। ओपेसिटी ज़्यादा रख दिया तो कुछ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फिक्स कलर हमने पकड़ा है। और ये ज़्यादा ग्रीन लग रहा है तो उसके ऊपर कम ओपेसिटी करके थोड़ा एक बार घुमाएंगे तो भी वो लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं स्मज टूल लेके सॉफ्ट राउंड ब्रश ले रहा हूँ और अभी इसका स्ट्रेंथ में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है तो फिर कम ज़्यादा करके देख लीजिए कि सही हो रहा है कि नहीं। ये स्मजिंग का एक तरीका है। दूसरा है कि आप मिक्सर ब्रश से भी कर सकते हैं, कई लोग मिक्सर ब्रश से करते हैं, आसानी होती है। तो मेरा क्या है, स्मज टूल पे ज़्यादा हाथ बैठ गया है तो मैं स्मज टूल से ही करता हूँ। फोटो थोड़ा थोड़ा शार्प होते जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कलर बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें रेड कलर ज्यादा दिख रहा है तो क्या करेंगे,
इसको मेजेंटा भी थोड़ा कम कर देंगे और रेड भी थोड़ा सा उसका सेचुरेशन कम कर देंगे। ठीक है, स्किन कलर परफेक्ट हो ये इसके लिए। अगर नहीं होता है और कहीं पे धब्बे धब्बे हैं तो फिर से हम वो थोड़ा कलर अप्लाई कर देंगे। आईब्रो के ऊपर और मुस्टैच के ऊपर भी कलर है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई कर देंगे तो उसके वो सेचुरेशन वहाँ का कम हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ओपेसिटी कम हो, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ना लगे। ठीक है, ठीक है, इतना तो हमारा क्या हुआ है, बेसिक हुआ है। ठीक है, अब इस यहाँ पे कई चीज़ें हैं स्मज करने की बाकी है, वो भी हम कर लेंगे बाद में। छोटी छोटी चीज़ें लिप्स की वगैरह डिटेल भी डालना है। कई लोग बोलेंगे कौन सा ब्रश इस्तेमाल किया है, कौन सा ब्रश इस्तेमाल किया है, तो कोई ब्रश नहीं है, डायरेक्ट डिफॉल्ट सॉफ्ट राउंड ब्रश है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ तक काम किया है और आगे का काम मैंने जो है थोड़ा पॉज करके कुछ स्टॉक डाउनलोड कर लिया है, और स्टॉक डाउनलोड करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पॉज करके स्टॉक डाउनलोड करके थोड़ा मैच किया है जो किया है, अभी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा आपको बोर ना करूँ और चीज़ें समझ में आए, तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप देख पाएंगे कि फोटो जो है एकदम फीका फीका लग रहा है, मतलब डिटेल तो थोड़ी ऐड हो गई है पर उसमें वो फील हो रही है, डेप्थ नहीं है। तो इसके लिए क्या किया है, सिंपल कंट्रोल और ईएल दबाया, और इसके लिए अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इतना ग्राफ मिसिंग है, मतलब हमारे फोटो में इतना डिप्थ हम दे सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि क्या इम्पैक्ट आया है, डार्क पार्ट और डार्क हुआ है और लाइट पार्ट है जो और लाइट हुआ है। तो इसके बाद सेम वही किया है और इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा किया है, और इसके बाद अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे शर्ट जो है पूरा डैमेज्ड है और उसकी डिटेल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया है कि गूगल से शर्ट डाउनलोड किया है और उसके ऊपर मैच किया है, आप देख सकते हैं थोड़ा इधर का पार्ट भी थोड़ा खींच के थोड़ा बड़ा किया है और इस तरह से मैच किया है, और थोड़ा इसको स्मज भी किया है। और इसके बाद अभी देख सकते हैं कान जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, हालांकि मैंने स्मजिंग से जितना हो सके ट्राई किया है पर वो ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो कान भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे थोड़ी मैच करने की कोशिश की है। और इसके बाद जो पगड़ी है वो पगड़ी भी डैमेज है, इसके ऊपर ही ड्राइंग करने करते बैठने से अच्छा है कि गूगल से अच्छी पगड़ी डाउनलोड करे और यहाँ पे मैच करे। तो सेम प्रोसीजर मैंने वही किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने शैडो डाल दिया है ताकि वो उसके रियलिस्टिक लुक मिले। इतना होने के बाद कुछ चीज़ें हैं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं इसकी फिनिशिंग कर दी है मैंने, और
आप देख सकते हैं किधर किधर रह गया था, उतना स्मज किया है। और इतना करने के बाद अभी क्या आप देख पाएंगे कि ये पगड़ी है रियलिस्टिक है। थोड़ा बहुत उसमें मैंने नॉइज एंड डस्ट का फिल्टर मार दिया है, और अब शर्ट भी थोड़ा मतलब 20% इसको भी पेंट टाइप किया है। फेस है ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है या कार्टून टाइप लग रहा है, तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या किया है, इसी को मैंने JPG में सेव किया और इसको रेनिमी ऐप से फिर से इन्हांस करके लिया है। तो हुआ क्या है, हालांकि जो जो डिटेल थी वो थोड़ी और स्किन टेक्चर वगैरह आप देख सकते ओरिजिनल, इसमें देखो एकदम पेंटिंग टाइप वो दिख रहा है, और ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, और रियलिस्टिक भी लग रहा है, स्किन टेक्चर आ गया है और साथ में डिटेल भी शार्प हो गई है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको अंदर खींचा है, कलर ज़्यादा रेड लग रहा था उसका सैचुरेशन कम करके इसको फाइनल कर दिया है। और अभी इसके बारे में एक बैकग्राउंड की, तो मैंने एक डिसेंट सा एक प्लेन बैकग्राउंड रखा है ताकि डिटेल भी अच्छे से दिखे सभी चीज़ें, और इस तरह से मैंने इसको ये कर दिया है। चाहे तो इसको थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम, इसका थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा कलरफुल और अच्छा दिखने लगा है। तो इस तरह से हमें ये फाइनल किया है इस फोटो को। अभी मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ आपको, ये हमारा जो है ओरिजिनल फोटो है, आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना चेंजेस किया है, क्या किया है, साफ साफ देखिएगा कि कितना मेहनत किया है इस फोटो में। अभी इस फोटो को मैं क्या करूँगा, मेरे को तो अभी ठीक ठाक लग रहा है इस फोटो को, ये भी रफ फोटो है, कस्टमर को भेज दूंगा, करेक्शन पूछ लूँगा, और जो भी करेक्शन वो बताते हैं वो करके मैं फाइनल उनको रिसेंड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना सीखने को मिला और क्या सवाल है आप मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।